तो बच्चों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत आज के इस डिजिटल लेक्चर में आपके अपने अमित सचान सर के द्वारा। आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे C++ का अगला वाला पार्ट। अभी तक आपने टोटल दो पार्ट देख लिए हैं C++ के और दो पार्ट ऑपरेटर्स के अलग से आपने देख लिए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर जो लेक्चर हमने कल लास्ट में जहां तक किया था उसके आगे हम लोग आगे अपना डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसी के साथ काउंटिंग हो जाए बच्चों, 3 2 1 स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो हमारे लास्ट वाले प्रोग्राम हैं, ये सब प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, लास्ट डिजिट निकाल चुके हैं और सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी 8 प्रोग्राम जो है यहाँ तक हम लोग अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। और अब 8 प्रोग्राम के आगे नवा प्रोग्राम हमको करना है जो कि है हमारा स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बच्चों कौन सा है? स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी हमको दो नंबर को आपस में स्वैप कराना है, मगर उसके लिए हमें तीसरे वेरिएबल के इस्तेमाल नहीं करना है। तो आइए फिर समय बर्बाद नहीं करते हैं और फटाफट प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले स्वैपिंग का मतलब समझिए। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है स्वैप टू नंबर्स। क्या है? स्वैप टू नंबर्स। तो स्वैप टू नंबर्स में जैसे अगर मान लीजिए आपने इनपुट कराया ए बी, अगर आपने ए की वैल्यू दी 5, बी की वैल्यू दी 10, तो बच्चों इसमें आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए की वैल्यू 10। स्वैप, स्वैप का मतलब चेंज, मतलब ए की वैल्यू बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू ए में आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। तो ये है हमारा स्वैप टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को आपस में स्वैप करना। ठीक है, अब ये दो मेथड से होता है, एक होता है विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक होता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं स्वैप टू नंबर्स विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बच्चों कौन सा करते हैं? विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो जो विथ यूजिंग हमारा थर्ड वेरिएबल वाला बच्चों होता है, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप हेडर फंक्शन लिख लोगे, इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड conio.h। अब मैं पूरा लिख रहा हूँ, टाइम बचेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा मेन फंक्शन, दैट इज void main, पेयर ऑफ ब्रैकेट फंक्शन हो गया। फिर हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है बच्चों। अब उसने कहा विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कि तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल करिए। तो तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल करना है, यानी हमारे पास में दो तो स्वैप ही होंगे, ए बी, और इनपुट आउटपुट दोनों यही आएंगे। भाई जो स्वैप होके आएगा वो भी तो यही सेम ही आने वाला है, वो भी तो जो वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पर 5 और 10 है, तो आउटपुट में भले ही वैल्यू बदल गई बट आ तो वो 10 और 5 ही रहे ना, तो वही इनपुट वही आउटपुट है हमारे ए और बी, तो अलग से लेना नहीं है। बट उसने कहा कि हमको तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल करिए, तो ए बी और सी। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे? अब हम लोग ए और बी को इनपुट करा लेंगे। तो आपको इनपुट कराना आता है C++ में, कैसे करेंगे इनपुट? चलिए मैं इसको लिख देता हूं सी आउट, एंटर टू नंबर्स, या आप अलग अलग भी करा सकते हैं, आपको ये सब आता ही होगा। और सी इन, आप ए इनपुट करा लीजिए और आप बी इनपुट करा लीजिए, आप ए इनपुट करा लीजिए, आप बी इनपुट करा लीजिए, तो आपका ए और बी हो जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चों क्या करना है आपको? बहुत सरल है। अब हमको ए और बी इनपुट हो गए, अब हमको इक्वेशन पेश करनी। तो देखिए इक्वेशन बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसकी होती है सी बराबर ए, ए बराबर बी, और बच्चों क्या होती है? बी बराबर सी। सी बराबर ए, ए बराबर बी, बी बराबर सी, और इसके बाद में ये वैल्यू क्या होंगी? चेंज होके प्रिंट हो जाएंगी।
तो अब हम पहले मैसेज लिख देते हैं सी आउट आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर, और ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, फिर हम थोड़ा पीछे से करके लिखते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए, सी आउट, और अब हमारा हो जाएगा आफ्टर स्वैपिंग सेकेंड नंबर, आफ्टर स्वैपिंग सेकेंड नंबर, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी। फिर हम लिख देंगे अपना गेट सी एच और ब्रैकेट बंद। अब ये हो गया लिख, मैंने प्रोग्राम तो लिख दिया बट आपको तो नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ, तो आइए फिर इसकी वैल्यूज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ए की वैल्यू को लिया था 5 और बी की वैल्यू हमने ले रखी है 10। ठीक है, थोड़ा सा बगल में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन था वो था सी बराबर ए, ए बराबर बी, और बच्चों था हमारा बी बराबर सी, सी बराबर ए, ए बराबर बी, बी बराबर सी। तो यहाँ पर अब हमारा सी बराबर ए है, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो अब हमको कैसे हुआ, देखिए समझिए, मैं आपको कलर चेंज करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ए की वैल्यू हमारी देखिए यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी है 5 लगा रखा है हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यानी ए वाली की वैल्यू जाएगी सी पे, तो सी पर कितनी आएगी बच्चों 5, इतना समझ में आ गया। फिर है ए बराबर बी, बी पर कितनी है बच्चों हमारी 10, तो बी की वैल्यू ए पर जाएगी तो वो कितनी आएगी हमारी 10। फिर है बी बराबर सी, तो यहाँ पर सी हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर ये सी हमारा कितना है 5, ये रहा, तो ये सी है 5, तो ये बी पे कितना आएगा असाइनमेंट की मदद से 5। अब देखिए ए की फाइनल वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू फाइनल कितनी आई 10, और बी की कितनी आई हमारी 5। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए आउटपुट में, देखिए ए की वैल्यू 10 आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, बी की वैल्यू 5 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट जो है बच्चों हमारा वो एग्जीक्यूट होता है। सेम इसी प्रकार से आपका जो ए और बी का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो उम्मीद है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस वाले लेक्चर को, यानी ये पर्टिकुलर जो दोनों प्रोग्राम है विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये आप एक बार अच्छे से देख के समझ लीजिए दोबारा, ताकि आपको और अच्छा सा बेहतर समझ में आ पाए। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, मगर इसको करके देख लीजिए, राइट। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो आगे था हमारा जो प्रोग्राम है वो है, इसी में मैं आपको करेक्शन बता देता हूँ क्योंकि काफी कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, केवल बहुत थोड़ा सा जो पोर्शन है वो हमारा करेक्ट करेंगे हम लोग। तो आइए करेक्ट करते हैं। तो विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल हो गया, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ये जो आपका है ये स्टेटमेंट हट जाएगा, ये स्टेटमेंट हट जाएगा बच्चों, और ये स्टेटमेंट हट जाएगा, बाकी हमारा सेम रहेगा, उधर पे हमारा ये हट जाएगा, ठीक है। और इसका मैं इधर एक्सप्लेनेशन हटा देता हूँ फिर, ताकि आपको इसको समझाने में हमें आसानी रहेगा। देखिए बच्चों, प्रोग्राम समथिंग लाइक अ मैथमेटिक्स, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उतना ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और हमको यही करना है, प्रैक्टिस करेंगे, इंटरेस्ट, अब मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, इंटरेस्ट जाग रहा है ना धीरे धीरे करके, एक बार में नहीं देखने में समझ में आ रहा, दो बार देखो, दो बार में नहीं आ रहा, तीन बार देखो, तीन बार में नहीं आ रहा, चार बार देखो, बट मेहनत करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारा इस बार बदल लेते हैं ऑब्जेक्ट, और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विदाउट यूजिंग, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, वैसे दिख रहा होगा, थर्ड वेरिएबल, यानी कि बिना तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल करे हुए। तो जब हमसे बोल दिया गया कि भाई थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना है,
तो यानी अब हमारे पास में सिर्फ कितने हो जाएंगे, ए और बी, दो ही तो चाहिए ना, फिर हमारे ए और बी ले लिए हमने, क्योंकि हमको तीसरा यूज ही नहीं करना। अच्छा, आपने पिछले वाले प्रोग्राम में भी देखा कि हमने उस जो थर्ड वेरिएबल था हमारा, उसको सिर्फ प्रोग्राम की इक्वेशन में यूज किया, ना ही हमने उसको इनपुट में डाला, ना ही हमने उसको आउटपुट में डाला, ठीक है ना। वही सेम चीज यहां पर भी करने वाले हैं। तो चलिए आइए, अब इसकी इक्वेशन क्या है, देखो ये आपको याद करनी पड़ेगी। हेडर फंक्शन लिख गए हमारे, मेन फंक्शन हो गया, डेटा टाइप विद वेरिएबल हो गए, इनपुट हो गया, तीन स्टेप हमारे पूरे हो गए। अब हमारी प्रोग्राम इक्वेशन, चार स्टेप हो गए, हमारी प्रोग्राम इक्वेशन आएगी। तो प्रोग्राम इक्वेशन क्या बनेगी वो आपको याद करनी पड़ेगी। परफॉर्म कैसे करनी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से लिखते हैं चलिए। तो ये बच्चों हमारी हो जाएगी ए बराबर ए प्लस बी, बी बराबर ए माइनस बी, ए बराबर ए माइनस बी, ए बराबर ए प्लस बी, बी बराबर ए माइनस बी, ए बराबर ए माइनस बी। अब ये देखिए कि कैसे ये काम कर रही है, ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना। तो फिर से यहां पर भी वही इक्वेशन लिख लेते हैं। ए हमारा है बच्चों ये हमारा 5, बी है हमारा बच्चों 10, ठीक है, ये हमने मान लिया। और इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो ए बराबर ए प्लस बी, बी बराबर ए माइनस बी, सेमी कॉलर नहीं लगा रहा हूं मैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बराबर ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आप वैल्यू प्लेस करते हैं। चलिए आइए देखिए, तो यहां पर जो हमारा ए है, ए की वैल्यू है हमारी 5, ऊपर देखिए ये लिखी हुई है, ऊपर ये देखिए ये लिखी हुई है 5, बी की वैल्यू है 10, यहां दी हुई है, तो बी हमारा है 10। तो 5 प्लस 10 यानी इस ए पर मेमोरी में कितना आ गया, 15 आ गया। अब नीचे आए बी बराबर ए माइनस बी, तो ए पर हमारा कितना है 15, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 15, ये ध्यान रखिए ये 15 ए, ये वाला जो ए है इसकी वैल्यू कितनी है 15, कौन सी जो नई मेमोरी में आई है, पुरानी वाली 5 नहीं लेनी है, हमेशा वैल्यू वेरिएबल की फ्रेश, जो फ्रेश वैल्यू आती है वो लेते हैं। तो 15 हो गई। अब बी हमारी कितनी है, बी हमारा 10 ही है अभी, तो 15 माइनस 10, तो इसकी ये हमारा बी हमारा कितना है, ये वाला, ये अभी 10 ही है क्योंकि इसमें तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, ए में जरूर चेंजमेंट हो गया था, तो अब हमारा बी का भी चेंजमेंट हो जाएगा। तो 15 माइनस 10, तो बी हमारा बच्चों कितना आएगा 5। फिर ए बराबर ए माइनस बी, तो ए पर हमारी कितनी निकली थी 15, बी पे कितनी निकली थी 5, ऊपर वाले की 15 और 5, तो ये तुम्हारा 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10। तो देखो ए पर 10 बी पे 5 आ गई, ये देखो ए पे 10 बी पे 5, यहां पे भी चेक कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से ये जो इक्वेशन होती है ये एग्जीक्यूट होती है। अब देखो मैं आपको कंपाइलर किस तरह से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस प्रकार से वो इस वाली इक्वेशन को उसने एग्जीक्यूट किया और आपके सामने आउटपुट को प्रोड्यूस किया। मगर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इसको, अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको ये एक बार में लेक्चर नहीं समझ में आया, तो आप इसको एक बार और देख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तब भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लो। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं बच्चों। तो ये हमारे हो गए विदाउट यूजिंग और विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लेक्चर आपको पता ही है किसके माध्यम से चल रहा है। अब हमारा आता है इनपुट वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्रिंट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। इनपुट वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्रिंट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, क्या बोला, इनपुट वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्रिंट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ये बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे, हमको कहा गया कि इनपुट वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर एक ही बनाया मैंने, इसकी एक साइड इनपुट करानी है एस, साइड को हमने एस मान लिया, साइड तो कुछ और है भी नहीं। अब हमको निकालना एरिया, तो एरिया हमारा क्या होता है एस इंटू एस, और हमारा निकालना है पेरीमीटर, तो ये हो गया 4 इंटू एस, दो चीजें निकालनी है। अब इनपुट आउटपुट देख लो, तो हमारा एस कितना है, एक एस एस, तीन एस है दोनों इक्वेशन में, तो तीन एस मतलब इनपुट तीन है एस, तो एस सेम ही है, तो यानी एक वेरिएबल तो कंफर्म हो गया हमारा, वो क्या हो गया बच्चों एस। फिर एक हमारा ए हो गया किसके लिए, एरिया के लिए, और एक हो गया पी फॉर पैरामीटर, तो तीन हो गए, जिसमें से ये हमारा इनपुट का है केवल, क्योंकि उसने कहा ना वन साइड ऑफ अ स्क्वायर,
तो ये हमारा इनपुट का है और ये दोनों बच्चों जो हैं वो हमारे किसके हैं, आउटपुट के। तो आउटपुट का मतलब है कि यहाँ पे दो इक्वेशन फेस करेंगे हम लोग। प्रोग्राम देखते हैं, तो इनपुट वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्रिंट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले अपने हेडर फंक्शन लिख दिए, फिर हमने अपना क्या लिख दिया बच्चों, मेन फंक्शन लिख दिया, वॉइड मेन। राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, भावनाओं को समझिए। खैर, अब हमारे वेरिएबल कितने हो गए बच्चों, एक हो गया इंट, क्योंकि हमारे सब नंबर हैं, तो एक हमारा एस हो गया जो साइड इनपुट करेगा, एक एरिया हो गया उसके लिए, एरिया के लिए, और एक पी हो गया पेरीमीटर के लिए। अब साइड इनपुट करा दो बच्चों, तो कैसे कराएंगे, सी आउट मैसेज लिख देंगे बढ़िया सा, क्या लिखेंगे, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, क्या लिख देंगे बच्चों, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद सी इन, सबसे पहले एस को इनपुट करा लेंगे। तो अब हमारा इनपुट वाला पोर्शन पूरा हो गया, अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम इक्वेशन प्लेस करनी है। तो हमारी इक्वेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखी रखी है, एक आपकी ये है, एक आपकी ये है। तो पहली वाली लिख देते हैं ए बराबर एस इंटू एस, और एक है आपकी पी बराबर फोर इंटू एस। तो ये दोनों लग गई इक्वेशन, दोनों प्लेस कर दी। अब हमको आउटपुट देना है, तो आउटपुट पहले एरिया दे देंगे फिर पैरामीटर दे देंगे, पैरामीटर भी पहले दे सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो चलिए कैसे, सी आउट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर ए, और सेम हो जाएगा हमारा सी आउट पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, मैं लिख नहीं रहा हूँ समझ जाइए आप, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा पी। और बच्चों फिर लगा देंगे गेट सी एच, आपको ये पता ही है कि गेट सी एच का इस्तेमाल क्यों होता है, तो आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से भली भांति से समझ सकेंगे कि क्यों हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अब हमको क्या करना है, साइड पूछेगा सबसे पहले, रन कराएगा जब प्रोग्राम को, तो सबसे पहले कहेगा इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर आपने मान लीजिए इनपुट कराया 10, अब सबसे पहले 10 इंटू 10, तो ये निकालेगा कितना 100, 4 इंटू 10 40, तो ये निकलेगा तुम्हारा 100 ए, और ये निकलेगा तुम्हारा 40, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होने नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़ते हैं धीरे से, इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, कहा जा रहा है कि आप जो है लेंथ और ब्रेथ इनपुट कराइए किसी रेक्टेंगल के रेफरेंस में, और आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है, हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए हम इन सब चीज़ों को निकालने के। कैसे करेंगे चलिए आइए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं जा रहा, यानी ये लास्ट का है, तो मैं इसको चलिए ध्यान देते हैं, क्लियर नहीं करते इसी में बताते हैं आपको। तो देखिए अगला हमसे कहा जा रहा है कि आपको लेंथ एंड ब्रेथ इनपुट करानी है, तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, इसकी हमको लेंथ और ब्रेथ इनपुट करानी है और हमको एरिया और पैरामीटर निकालना है। तो साफ साफ चल रहा है पता कि बच्चों नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने होने हैं, चार, कौन कौन से होने हैं, एल बी ये हमारे इनपुट होने हैं, ए और पी हमारा आउटपुट होना है। तो प्रोग्राम करते हैं, सबसे पहले हैश, दोनों हेडर फंक्शन लिख के आप लिख लोगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ वॉइड मेन हो गया आपका। अब मैं इस बारे में सिर्फ एक्सप्लेनेशन करता हुआ प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सारा प्रोग्राम लिखने से फिर टाइम भी खराब होता है। तो एल और बी, ए और पी ये हमने लिख लिया, अब एल और बी को हम क्या करेंगे, इनपुट करा लेंगे। इनपुट कराने का भी जो यहाँ पे पर्पस है वो ये है कि आप या तो आप लिखो इंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड सी इन एल, और इंटर ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल सी इन बी, या आप एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल और सीधे सी इन एल और बी एक साथ इनपुट करा लीजिए,
आपको आता होगा। अब एल और बी अगर अभी तक आपको इनपुट कराना नहीं आता तो फिर आप ये लेक्चर बंद कर दिए, देखना आपके किसी काम का नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा एल बी, अब हमारा इनपुट हो गया, अब हमारी इक्वेशंस प्लेस होनी है बच्चों। तो हम सीधे सीधे इक्वेशन प्लेस कर देंगे। ए बराबर होता है हमारा एल इंटू बी, फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारा क्या होता है बच्चों, टू इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, टू इंटू एल प्लस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारा जो अगला है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी था, अब प्रिंट कराना है बच्चों। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं, सी आउट मैसेज हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब आप समझदार हैं, ए और सी आउट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बी, फिर ये हो जाएगा हमारा गेट सी एच ब्रैकेट बंद। अब आप इसमें रन कराओगे तो सबसे पहले एल और बी की वैल्यू दोगे, मान लीजिए आपने एल लेंथ की वैल्यू इनपुट कराई 5, बी की कराई आपने 2, तो पहले तो निकलेगा ए निकलेगा आपका 5 इंटू 2 यानी कि 10, और ये निकलेगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी 7 दूनी 14, तो इस प्रकार से आपका ये निकलेगा, क्या कहते हैं, एरिया और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रोग्राम देखिए, मे बी शायद लास्ट प्रोग्राम है ये लेंथ इस वाले उसका, हाँ जी लास्ट है। क्या प्रोग्राम कह रहा है, कह रहा है इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्कल, या चलिए इसको यहीं पे कर दें, इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस। तो क्या कहा है आपसे कि आप एक, यहाँ पे बताता हूँ, एक सर्कल आप इनपुट कराइए और उसका रेडियस आप इनपुट करा लीजिए, रेडियस आप इनपुट करा दीजिए। जब आप रेडियस इनपुट करा लेंगे तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया आपका क्या निकलेगा, एरिया आपका निकलेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रखिए 3.14 इंटू आर इंटू आर, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। तो अब हमारा ये हो गया, इक्वेशंस दोनों निकल आई, एक इनपुट हो गया, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, हेडर फंक्शन, हेडर फंक्शन के बाद में क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन, फिर डेटा टाइप विद वेरिएबल, आप सबसे पहले इनपुट कराना है तो सी आउट, पहले पहले वेरिएबल होना है, सॉरी पहले हमको क्या करना है, वेरिएबल लेना है, तो वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले रफ कर देते हैं, तो हमारा वेरिएबल ले लेते हैं, तो हमारे कितने इंट हो जाएगा हमारा आर, और ये हो जाएगा हमारा ए और सी आउटपुट। क्यों डेसिमल में मैंने क्यों लिया, फ्लोट में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ का देखिए इनपुट हमारा क्या है 3.14, तो जब इनपुट कोई वैल्यू हमारी फ्रैक्शन की है तो वो डेफिनेटली फ्रैक्शन में जाना ही जाना है उसको, तो इसलिए जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर उसको लिया। तो अब हमारा फ्लोट ए और सी हो गया, अब इनपुट करा लेंगे आर को, तो इनपुट क्या हो जाएगा, सी आउट इंटर रेडियस इंटर आर, मैं पूरा लिख रहा हूँ आप समझ के, इंटर रेडियस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर रेडियस के बाद में हम करेंगे सी इन और आर, इनपुट करा दिया। अब हमारी इक्वेशन क्या बननी है बच्चों, हमने साइड में लिख रखी है ए बराबर 3.14 इंटू आर, दूसरा है हमारा सी बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू आर, दोनों इक्वेशन लग गई, अब एरिया और प्रिंट प्रिंट करा देंगे, तो सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, अब मैं पूरा लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल, आप समझ गए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल
और हमारा हो जाएगा ए, और दूसरा हो जाएगा सी आउट सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा सी, और बस उसके बाद क्या हो जाएगा गेट सी एच ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा हो गया। अब हम सबसे पहले इनपुट कराएंगे, तो आर की वैल्यू इनपुट कराएंगे, तो जो भी कैलकुलेशंस होंगी, मान लीजिए हमने आर की इनपुट कराई 10, तो 10 इंटू 10 100, 3.14 इंटू 100 यानी कि 314, तो ए निकलेगा आपका 314, और ये निकलेगा 2 पाई आर, इसमें एक आर ज़्यादा लग गया, ध्यान नहीं दिया, 2 पाई आर, तो आर है 10, तो ये हो जाएगा, ये जो भी मल्टीप्लाई करके निकलेगा आपका वो सी। अब टाइम बर्बाद नहीं करते, आप निकाल ही लोगे, तब मुझे आपको पे भरोसा है ये। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बढ़िया सा समझ में आया होगा ये वाला लेक्चर। तो आज के लिए फिर इस लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, और ये C++ का हमारा कंप्लीट लेक्चर बन गया पूरा का पूरा, हमने एक अच्छे खासे प्रोग्राम देखे, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम, इफ एल्स वगैरह आपने सुन रखा होगा, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स गेटर इफ एल्स, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों फिर इतने रखते हैं, मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।